नमस्कार, न्यूज इंडिया पर तमाम देवभूमि की खबरों के साथ मैं हूं पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, गुजरात दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। अहमदाबाद में मेगा रोड शो करने वाले हैं धामी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी उनके साथ में मौजूद हैं। बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में भी शामिल होंगे। बैठक में राज्य में निवेश पर विस्तार से होगी चर्चा। कई एमओयू पर हस्ताक्षर होने वाले हैं। बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की बैठक में भी हिस्सा लेंगे धामी। गुजरात दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। कुछ देर में रोड शो करेंगे। कई एमओयूज पर भी साइन होगा। अहमदाबाद में मेगा रोड शो भी करेंगे धामी। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी हमारे साथ संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनुज, ये दौरा कितना खास है उत्तराखंड के लिहाज से? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गुजरात दौरा है, कल देर रात करीब 9:30 बजे वो अहमदाबाद पहुंचे और वहां पे एयरपोर्ट पे उनका जो प्रवासी उत्तराखंडी है जो वहां अहमदाबाद में रहते हैं, उन्होंने एयरपोर्ट पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया और पारंपरिक वेशभूषा के साथ औरतें भी नजर आई। साथ ही साथ अगर बात करें आज के दौरे को लेकर के, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रोड शो करेंगे अहमदाबाद में। उनके साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ कई ऐसे आईएएस हैं जो वहां पे मौजूद रहेंगे। सबसे बड़ी चीज क्या है कि उत्तराखंड में किस प्रकार से निवेश आ सके, गुजरात के जो उद्योगपति है वो उत्तराखंड में किस प्रकार से निवेश कर सके, चाहे वो टूरिज्म के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हो, दवाइयों के क्षेत्र में हो, या मेडिसिन बनाने के या मेडिसिन के इक्विपमेंट बनाने के क्षेत्र में हो। जिस तरीके से गुजरात के कई व्यापारी उत्तराखंड में व्यापार करने के लिए अभी भी आए हुए हैं, इसके बाद मुख्यमंत्री अब लगातार इस बात को लेकर के बोल रहे हैं कि गुजरात के जो व्यापारी हैं वो उत्तराखंड में निवेश करें, इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे और दोपहर 3 बजे बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट की बैठक है, जिस बैठक में कई करोड़ के एमओयू भी साइन होने हैं, जिनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई आला अधिकारी हैं जो एमओयू साइन करेंगे उत्तराखंड में निवेश को लेकर के। क्योंकि उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत है कि उत्तराखंड में निवेश किस प्रकार से आ सके, चार धाम यात्रा में किस प्रकार से टूरिज्म बढ़ सके। साथ ही साथ अगर बात करें जो चार धाम यात्रा में दिक्कतें आती हैं उनको किस प्रकार से कम किया जा सके, क्योंकि पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड काफी अलग एक अपनी भूमिका बना रहा है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आदि कैलाश गए हो, तो अब वहां पर भी टूरिज्म की अपार संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। तो इसी तर्ज को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब मेगा रोड शो कर रहे हैं और रोड शो करने के बाद चाहे वो विदेश के व्यापारी हो या भारत के व्यापारी हो, उत्तराखंड में किस प्रकार से निवेश आ सके, उत्तराखंड में किस प्रकार निवेश धरातल पे दिख सके, लोगों को रोजगार किस प्रकार। अनुज, देखिए टूरिज्म की अगर मैं बात करूं तो टूरिज्म के लिहाज से न सिर्फ गुजरात के लिए बल्कि संपूर्ण देश और संपूर्ण विश्व के लिए उत्तराखंड बहुत ही पावन भूमि भी है, साथ में लोग आते भी हैं यहाँ पर। तो गुजरात के जो व्यापारी हैं उनके लिए सरकार की तरफ से किस तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी ताकि वो निवेश में इंटरेस्टेड हों? जी बिल्कुल पूजा, एक बड़ा अच्छा सवाल है। अभी कैबिनेट की अगर बात करें तो कैबिनेट में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐसी नीतियां हैं, चाहे पर्यटन नीति की अगर बात करें, मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना की अगर बात करें तो कई ऐसी योजनाएं, चाहे वो ग्राम्य विकास योजना की अगर बात करें, पेयजल योजना की अगर बात करें, तो कई ऐसी योजनाएं थी जिनकी नियमावली में संशोधन किया गया है। अगर कोई व्यापारी उद्योगपति उत्तराखंड में निवेश करता है तो अगर पहाड़ी जनपदों की अगर बात करें तो वहां 4 करोड़ रुपए की सब्सिडी उद्योग विभाग दे रहा है उद्योगपति को, और साथ ही साथ जो सरकारी भूमि है उसको भी मुख्यमंत्री उद्योगपति को प्रोवाइड करा रहे हैं कुछ नॉर्म्स के आधार पे। उसके बाद वन सेटलमेंट जो स्कीम उद्योग विभाग ने जारी करी है, उस सेटलमेंट स्कीम के तहत जिस भी विभाग की अगर एनओसी चाहिए उद्योगपति को, तो वो वन सेटलमेंट स्कीम के तहत अपने कागज उसमें डाल सकता है उस ऑनलाइन पोर्टल पे, और वहां से वो डायरेक्ट
मुख्यमंत्री जो पोर्टल है उस पर जाकर के सारी एनओसी विभाग की आपको मिल सकती है। तो उद्योगपतियों के लिए ये बड़ा अच्छा अवसर भी दिया है मुख्यमंत्री ने। साथ साथ अगर मैदानी जनपदों की अगर बात करें, हरिद्वार की बात करें, देहरादून की राजधानी देहरादून की बात करें और उधम सिंह नगर की बात करें, यहाँ पे सिडकुल में जो जमीनें खाली हैं उनको उद्योग विभाग उद्योगपतियों को अलॉट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे किस प्रकार से आप निवेश कर सके उनको चार कैटेगरियों में बांटा गया, ए बी सी और डी, चार कैटेगरियों में जिस प्रकार से वो निवेश कर रहे हैं 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का निवेश। ठीक है अनुज, आप हमारे साथ बने रहिए, आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। बहुत अच्छी डिटेल्स आपने साझा करी हैं अनुज, दर्शकों के लिए बेहद खास होने वाली हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, देहरादून का जिक्र करते हैं। बिजली सप्लाई दुरुस्त रहने वाली है, इलेक्ट्रॉनिक का सप्लाई नेटवर्क को विकसित करेगी सरकार। 732 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड केबल एडीबी की सहायता से केबल बिछाने का काम पूरा होगा। 2500 मेगावाट के इलेक्ट्रिक सप्लाई को किया जाएगा सशक्त। 33 केबी सब स्टेशन समेत इलेक्ट्रिक लाइन सुदृढ़ होने वाली है। रहने वाली है इलेक्ट्रिक सप्लाई नेटवर्क को विकसित करेगी सरकार। 732 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड केबल एडीबी की सहायता से केबल बिछाने का काम पूरा होगा। मेगावाट के इलेक्ट्रिक सप्लाई को किया जाएगा सशक्त। तैतीस केबी सब स्टेशन समेत इलेक्ट्रिक लाइन सुदृढ़ होगी। तो देहरादून में बिजली सप्लाई दुरुस्त रहने के लिए इलेक्ट्रिक सप्लाई नेटवर्क को विकसित करेगी सरकार। 732 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड केबल बिछने वाला है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुज अवस्थी सहयोगी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, जब हम उत्तराखंड का जिक्र करते हैं तो उत्तराखंड बिजली की समस्या से जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, वो जूझते रहते हैं। अब ऐसे में इस परियोजना के विकास और साथ में सशक्तता के साथ उन क्षेत्रों को कितनी मदद मिलने वाली है? जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार बिजली को लेकर के, चाहे वो दूरस्थ क्षेत्र हो, वहां भी अभी तक कई ऐसे गांव हैं जहां पे बिजली नहीं पहुंच पाई है। क्योंकि दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पे बिजली पहुंच पाना बहुत कठिन काम है। वहां आज भी लोग सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली से काम चलाते हैं। लेकिन अगर बात करें वही गवर्नमेंट ऊर्जा विभाग की अगर बात करें तो 2500 मेगावाट की जो परियोजना है उसका जो क्रियान्वयन है वो उसकी शुरुआत हो गई है। एडीबी विभाग उसकी शुरुआत कर रहा है क्योंकि देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर के लगातार सरकार प्रयासरत है। इसको लेकर के अब जो केबल की जो लाइनें हैं
वो भूमिगत की जा रही है। इसकी शुरुआत राजधानी देहरादून से कर दी गई है और कई ऐसे इलाके हैं राजधानी देहरादून के जहां पे जो ऊपर के जो तार जाते थे बिजली के तार उनको हटा करके अब जमीन के नीचे तार बिछाने की योजना की शुरुआत कर दी गई है। कई ऐसे देहरादून के इलाके हैं, अगर बात करें नेहरू कॉलोनी या विधानसभा के आसपास के जो इलाके हैं वहां पे इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। और ये जो पूरा नेटवर्क है 732 करोड़ की ये जो परियोजना है ये पूरे उत्तराखंड में जो भूमिगत लाइनें हैं उनको बिछाने का कार्य किया जाएगा। इससे सबसे बड़ी चीज क्या है कि उत्तराखंड में जो कनेक्टिविटी है वो बहुत तेजी से बढ़ेगी, चाहे वो पहाड़ों जनपदों की अगर बात करें, पिथौरागढ़ की अगर बात करें, चंपावत की अगर बात करें, साथ ही साथ चारधाम यात्रा रोड पर भी इसके कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। चारधाम यात्रा में कई बार देखा जाता है कि बिजली बाधित होने के कारण कई जगहों पे जो इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं चल पाते हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा को लेकर के हो या आम जनमानस के घर में भी हो, जब बिजली चली जाती है तो वहां पे सफल कर पाना बहुत बड़ी मुश्किल कार्य होता है क्योंकि पहाड़ी जैसे क्षेत्रों में। तो इसको लेकर के अब सरकार एडीबी के तहत इस परियोजना के तहत जो लाइनें हैं उनको भूमिगत लाइनें कर रही है और साथ साथ जो जियो फाइबर नेटवर्क है जो कनेक्टिविटी है उसको भी बढ़ाने का कार्य कर रही है। जी पूजा, बिल्कुल अनुजा, आप हमारे साथ बने रहिए, आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गुजरात दौरा है, अहमदाबाद में सीएम धामी ने मॉर्निंग वॉक की है, साबरमती रिवर फ्रंट का भ्रमण करते नजर आए हैं, लोगों को उत्तराखंड आने का आमंत्रण दिया है। तो गुजरात में मॉर्निंग वॉक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम लोगों से बातचीत करी और उत्तराखंड आने का आमंत्रण भी दिया है। साबरमती रिवर फ्रंट में घूमते नजर आए सीएम पुष्कर सिंह धामी, अहमदाबाद में मॉर्निंग वॉक की है। अनुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज देखिए, मुख्यमंत्री गुजरात के दौरे पर हैं और सबसे बड़ी बात ये कि वो कहीं पर भी रहें अपना जो डेली रूटीन है उसको नहीं वो भूलते हैं, सुबह उठ करके सूर्य को प्रणाम करना और फिर उसके बाद मॉर्निंग वॉक का जो उनकी रूटीन है वो नज़र आती है। गुजरात में भी ठीक वैसा ही नज़र आया, लेकिन सबसे खास और दिलचस्प बात क्या रही कि गुजरातियों से मिलते समय उन्होंने उत्तराखंड आने का निमंत्रण दिया है, यानी कि हर जगह बात वो उत्तराखंड की कर रहे हैं। ये बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यशैली रही है, वो चाहे उत्तराखंड में रहे हो या उत्तराखंड के किसी भी दूरस्थ इलाके में उनका दौरा रहा हो, वहां पर भी जो उनकी कार्यशैली है वो इसी प्रकार की रही है। अब जब अहमदाबाद में इस चीज को देखने को मिली है कि सुबह सुबह वो अहमदाबाद में साबरमती जो रिवर फ्रंट है वहां पे वो टहलने के लिए निकलते हैं, सूर्य को प्रणाम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, सबसे बड़ी चीज क्या है कि मुख्यमंत्री लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि आप उत्तराखंड आइए, आपको अगर खुली हवा में सांस लेना है तो आप उत्तराखंड आइए, आपको अगर पहाड़ देखना है तो आप उत्तराखंड आइए, आपको हरिद्वार में गंगा आरती देखनी है तो आप उत्तराखंड आइए, आपको चार धाम यात्रा करनी है तो आप उत्तराखंड आइए, आपको। चलिए बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, धामी सरकार का महिला कर्मचारियों को बड़ा तोहफा है, महिलाओं के लिए सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, धूमधाम से मनाया जा रहा है करवा चौथ का पर्व, करवा चौथ पर उत्तराखंड सरकार ने महिला कर्मचारियों को तोहफा दिया है, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शासकीय अशासकीय कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो वहीं आज शाम को चांद दिखने के बाद करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, बड़ी तादाद में महिलाएं बाजारों में मेहंदी लगवाने पहुंची और जमकर खरीदारी भी कर रही हैं। तो वहीं पर्व को लेकर महिलाओं का कहना है कि करवा चौथ का पर्व महिलाओं को के लिए बेहद खास होता है, बेसब्री से उसका इंतजार होता है क्योंकि महिलाएं पूरे दुल्हन की तरह श्रृंगार करती हैं,
करवा चौथ में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत भी रखती हैं। अनुज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुज, देखिए सरकार की तरफ से महिलाओं को, महिला कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया, तो दूसरी तरफ बाजारों में आज रौनक भी है। जी बिल्कुल पूजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल ने पूरे प्रदेश की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया, चाहे वो राजकीय महिलाएं हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे प्राइवेट में हो, सभी महिलाओं को आज अवकाश दिया गया है, क्योंकि महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही साथ अगर बात करें बाजारों की, अगर बात करें तो वहां पर भी रौनक देखने को मिली है, चाहे वो राजधानी देहरादून समेत पूरे पहाड़ की अगर बात करें तो वहां पर भी महिलाएं जगह जगह जाकर के मेहंदी लगा रही है, अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रख रही है। साथ ही साथ अगर बात करें जो महिलाएं हैं वो गीत संगीत का भी कई कई जगहों पे कार्यक्रम रखा गया है, जो नाट्य संस्था है उन्होंने कई जगहों पे गीत संगीत का कार्यक्रम भी रखा है। साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो पत्नी है गीता धामी, वो भी मुख्यमंत्री आवास में आज उन्होंने निर्जला व्रत रखा हुआ है और वहां पे सभी महिलाओं के साथ आज वो चांद को देखेंगी। तो कहा जाता है कि एक पहला ऐसा राज्य है उत्तराखंड जहां पे मुख्यमंत्री ने महिलाओं को अवकाश दिया, चाहे वो सरकारी महिलाएं जो सरकारी संस्थाओं में काम करती हैं या जो प्राइवेट संस्थाओं में काम करती हैं, इसको लेकर के महिलाएं पूरे उत्तराखंड। बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड के लिए बेहद उत्साहजनक है आज का दिन, क्योंकि आधी आबादी को एक सौगात मिली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड को 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने को लेकर प्रदेश की धामी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में अब राज्य और केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी की ओर से सभी जिला मुख्यालयों में पत्रकार श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की ओर से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका सीधा लाभ जनता को मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार काम कर रही है। हरिद्वार में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरिद्वार जिला जेल में एकता दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करी। इस मौके पर उन्होंने जेल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। खास बात यह रही कि इस प्रतिमा को जेल में बंद कैदियों ने ही बनाया था। तो वहीं इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। लक्सर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि लक्सर चौकी इंचार्ज ने बजरंग दल के एक कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी की है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चौकी प्रभारी पर मारपीट के साथ ही एनकाउंटर की धमकी देने का आरोप भी लगाया। कार्यकर्ताओं ने कोतवाली प्रभारी को तहरीर देते हुए चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। त्योहारों के शुरू होते ही बाजारों में भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। इन दिनों बाजारों में विशेषकर ज्वेलर्स, मोबाइल और कपड़ों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली, जिसके लिए सबसे पहले पुलिसकर्मियों की छुट्टियों पर सख्ताई की गई। बाजारों में जाम की स्थिति ना देखने को मिले, इसके लिए बाजार में लगने वाली दुकानों को सफ़ेद पट्टी से अंदर ही रहने को कहा गया है। तो वहीं आने वाले ग्राहकों को उनकी गाड़ियां उचित पार्किंग स्थल पर ही पार्क करने की सलाह दी जा रही है। मंगलौर से बहुजन समाज पार्टी के विधायक सरवत करीम अंसारी का सोमवार को निधन हो गया। वो 66 वर्ष के थे और लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। कुछ महीने पहले ही मुंबई में उनका इलाज हुआ था। सोमवार की सुबह सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया, जिससे पूरे कस्बे और आसपास के इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। तो वहीं बीजेपी नेता दिनेश पवार ने कहा कि हाजी सरवत के निधन की सूचना मिलना बहुत ही दुखद है। लक्सर के गांव कासमपुर नवादा में दो पक्षों के बीच में मारपीट के दौरान घायल व्यक्ति के इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। कुछ लोगों ने दोनों पक्षों का समझौता कराने का भी प्रयास किया, लेकिन बैठक के दौरान दोनों पक्ष दोबारा भिड़ गए। तो वहीं कोतवाली प्रभारी राजीव रोथाड़ ने बताया है कि इस मामले में घायल
इद्रीश की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दो आरोपी इकराम और नसीम निवासी का कासमपुर नवादा को गिरफ्तार किया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का आना लगातार जारी है। ताज़ा जगदीशपुर क्षेत्र के गणपति धाम फेज 3 कॉलोनी का मामला है, जहां आज सुबह ही हाथियों का एक झुंड कॉलोनी में देखा गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से हाथी गन्ने के खेतों में गन्नों का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासी देवराज शर्मा ने बताया कि आए दिन हाथियों का झुंड कॉलोनी में दिन रात देखने को मिलता है। साथ ही उन्होंने बताया कि वन विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।